नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। गली मोहल्लों में चुनावी नारे गूंजने लगे हैं। वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए श्रीमती जयंती आनंद साहू निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जयंती आनंद साहू पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं, अब जनता के लिए फिर से चुनावी मैदान में पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने वार्ड में अपना जोरदार जनसंपर्क शुरू कर दिया है। जयंती आनंद साहू को जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जयंती आनंद साहू कहते हैं कि मेरा चुनाव मेरे वार्ड की जनता लड़ रही है। पार्षद बनते हैं तो क्षेत्र विकास में पूर्व में तो यही है, छूटे हुए कार्य भी करवाएंगे। अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नाली सड़क बिजली पानी आदि सभी मूलभूत समस्याओं से जनता को निजात दिलाना मेरा कर्तव्य होगा। झांसी से मनीषा की रिपोर्ट। जयंती आनंद साहू, जयंती जी कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं? वार्ड नंबर 2 तालपुरा प्रखंड से चुनाव लड़ रही हूं। चुनाव चिन्ह मेरा कार है। किन मजबूत इरादों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे? जैसे कि बाढ़ की जो भी समस्या है, जैसे नेहरू पार्क के सामने वाली गली में सबसे प्रथम मूल्य समस्या है पाइपलाइन में गंदा पानी आना, जो भी मतलब पाइपलाइन में गंदा पानी आना और जो भी समस्या है उन मूल मुद्दों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। देखिए, मैंने चूँकि क्या है 2012 से 2017 में पार्षद रहा हूँ, पार्षद रह के मैंने ऐसे विकास के कार्य कराए जो मूलभूत सुविधा होती है, जो जनहित में, जो लोगों की आम जिंदगी में काम आने वाली, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे नेहरू पार्क बनवाया मैंने, बस स्टैंड पर पक्षीकरण कराया, शौचालय, मूत्रालय, रैन बसेरा, ऐसी कई जो जरूरत आने वाली मूलभूत सुविधा मैंने उसमें कराई है। उस वार्ड को लेके उसके साथ साथ ही बगल के जो वार्ड मेरा जो तालपुरा प्रथम है, मैंने कभी ये मुड़ के नहीं देखा कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किस वार्ड में विकास होना है। बस मैंने मानव सेवा की और मानव को समझा है। आज जो मैंने इस तरह काम किया था इस वाले वार्ड में, आज मुझे विद रिटर्न मतलब ब्याज के मिल रहा है। आज लोगों को इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया, लेकिन जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने फलाना काम कराया था, ढिकाना काम कराया, तो शायद मुझे लग रहा है कि जो मैंने बोया था आज मैं काट रहा हूँ। ऐसा ही मतलब मुझे लोगों को बहुत ही स्नेह प्यार मिल रहा है।